सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A21s के बारे में। तो सैमसंग ने अपने एम सीरीज में दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया और सैमसंग अपने ए सीरीज में एक स्मार्टफोन को लॉन्च किया। तो सैमसंग ने जून के फर्स्ट वीक में ही अपने टोटल 3 स्मार्टफोन्स को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब एक नया रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि सैमसंग का ए सीरीज का और एक स्मार्टफोन आपको जून के मिड में देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A21s। तो 2 जून को आप लोगों ने देखा कि सैमसंग ने लॉन्च किया सैमसंग का M01 और सैमसंग गैलेक्सी M11, जिसकी प्राइसिंग 8000 और 11000 रुपीस यहाँ पर सैमसंग ने रखा है। तो अगर आपका बजट है उतना तो आप लोग डेफिनेटली सैमसंग के उन एम सीरीज के स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको सैमसंग का ए सीरीज का स्मार्टफोन चाहिए तो सैमसंग ने लॉन्च किया सैमसंग गैलेक्सी A31, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 22000 रुपीस, जिसमें आपको मिलता है 6GB का रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज। हालांकि प्राइस ओवर प्राइस है, लेकिन अगर आपको प्राइसिंग में कोई डिफरेंट मतलब फ़र्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली आप लोग इसको भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अब और एक ए सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A21s। और इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो बताया जा रहा है कि लगभग 19 जून को ये स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। यानी कि 20 जून या फिर 19 जून को आपको सैमसंग गैलेक्सी A21s इंडिया के अंदर लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। और इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग होने वाला है लगभग 16,500 रुपीज़, यानी कि 16,700 रुपीज़ के आसपास सैमसंग गैलेक्सी A21s की प्राइसिंग यहाँ पर होने वाला है। फ़ोन के अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो आपको 6.4 इंचेस का HD+ डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप, प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 5000mAh की बैटरी मिल रहा है, एग्जोनस का 850 आप लोगों को चिपसेट मिलेगा। ये चिपसेट एग्जोनस के 9611 से काफ़ी कम पावरफुल है। और इसकी जो प्राइसिंग होने वाला है वो है 16,700 रुपीज़, अगर इसे आप बाहर के प्राइसेस में इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो। और वही प्राइसिंग जहां तक लग रहा है कि होगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A31 की प्राइसिंग जो बाहर के कंट्रीज़ में है सेम वही प्राइसिंग इंडिया में भी सैमसंग ने रखा है। तो A21s की भी प्राइसिंग वही रहने वाला है जो बाहर के कंट्रीज़ में यहाँ पर सैमसंग ने लॉन्च किया है। तो सैमसंग का ए सीरीज का स्मार्टफोन अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे होते भी है, लेकिन जो प्राइसिंग रहता है सैमसंग का ए सीरीज का ना, वो मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लगता। आज के टाइम में कौन बंदा सैमसंग गैलेक्सी A21s बाय करेगा अगर वो 16,700 रुपीज़ में लॉन्च करता है तो। क्योंकि उससे अच्छा तो आप सैमसंग का ही M21 बाय कीजिए, जो कि जिसकी प्राइसिंग लगभग 12,500 रुपीज़ है, जिसमें आपको इससे अच्छा स्पेस यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जबकि इसमें आपको तो वो भी नहीं मिलता। वहाँ पर आपको 6000mAh की बैटरी मिलता है। सैमसंग का ए सीरीज का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप लोग को नोक सिक्योरिटी मिलता है, और साथ में सैमसंग का ए सीरीज का स्मार्टफोन हर एक रिटेल शॉप में देखने को मिल जाता है। लेकिन एम सीरीज का स्मार्टफोन भी आप लोगों को मिलता है, लेकिन वो काफ़ी कम ऐसे दुकान है जहाँ पर ये मिलता है, लेकिन मिलता है दोनों ही फ़ोन। तो A21s की प्राइसिंग लगभग 16,700 रुपीज़ यहाँ पर होने वाला है। अब देखते हैं कि 19 जून को लॉन्च होता है या फिर नहीं होता, लेकिन अगर लॉन्च होता है 19 जून को 16,700 रुपीज़ में, तो मैं बोलूँगा कि भाई इस फ़ोन से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M31s के लिए आप लोग डेफिनेटली वेट कीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।